सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस गाइस अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो के अंदर आप बहुत तगड़ी नॉलेज लेने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे जो है आप रैंक अचीव कर सकते हो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे जो पहले जो नेक्स्ट मिनी का प्लान था वो और आज का अभी जो रिवार्ड प्लान है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट हुआ और आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपनी खुद की चीज बता रहा हूँ कि आप अगर रिवार्ड प्लान को ज्वाइन कर रहे हो या फिर ज्वाइन कर दिया तो आपके साथ में बहुत इनकम सोर्सेज आने वाले हैं। मतलब आपको अलग अलग जगह से इनकम आने वाली है, कितनी इनकम आएगी उसके पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले की कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि नेक्स्ट मनी का जो पहले का प्लान था उसमें कुछ अलग अलग रैंक थी, जैसे कि सिल्वर रैंक हो गई, लीडरशिप रैंक हो गई, राइट, गोल्ड रैंक हो गई, बहुत सारी रैंक थी। उसमें क्या अलग है और आज के जो अभी जो प्लान चल रहा है अपना रिवार्ड प्लान, उसके अंदर क्या चेंजमेंट है, तो चलिए इस चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें पता है कि रेफरल अर्निंग जो है वो बहुत अलग तरीके से हमारे को मिल रही थी। रेफरल अर्निंग की अगर बात करें यहाँ पर, रेफरल अर्निंग में कुछ चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। रेफरल अर्निंग सेम सी है, जो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है और नहीं कंपनी ने कोई चेंज किया रेफरल अर्निंग के अंदर। कंपनी ने एक यहाँ पर एडवांस इसलिए किया है क्योंकि कंपनी के कुछ जो लीडर थे, मतलब पहले के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करवा रहे, मतलब ज्वाइनिंग करवाने के बाद में उनकी टीम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। इस वजह से सर ने जो है, मैं सैल्यूट करता हूँ अभिषेक सर को, कि सर ने जो है बहुत अच्छे से अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसी चीज दी जिससे कि जो भी पर्सन ज्वाइन करे वो आगे काम जरूर करेगा। अब आपको इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी टीम काम करेगी या नहीं करेगी, सिंपल सा प्लान है, आपको बस सिर्फ प्लान के ऊपर फोकस करना है। आपको मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ वहां पर हर एक चीज समझाने वाला हूँ कि कैसे जो आपकी टीम आगे से काम करेगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है रेफरल अर्निंग की जो हमने पहले जो हमारा प्लान था वो ये था कि हमने 5 लोगों को ये एप्लीकेशन रेफर किया, उन 5 की हमने हेल्प की और उनकी जो है 25 की टीम कर ली। जैसे हमारे 25 की टीम हुई तो हमारे यहाँ पे लीडरशिप जो है रॉयल्टी मिलती थी, मतलब LR यानी कि लीडरशिप रॉयल्टी की जो है एक रॉयल्टी मिलती थी। अब ये जो है कैंसिल कर दी, अभी इस प्लान के अंदर जो है कैंसिल हो चुकी है। और जैसे कि आपको पता है सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको 5 लोगों को जो है अपनी टीम में, पहले की बात कर रहा हूँ, अपनी ध्यान देना क्योंकि मैं बारीकी से इस चीज को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर है ना अपनी टीम के अंदर उनको पता ही नहीं कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस रहता है। तो आपको बताता हूँ कि पहले जो सिल्वर रैंक थी उसमें क्या था, 5 लोगों को ज्वाइन करवाना और उन 5 में से, यानी कि ये जो मैंने 5 ज्वाइन करवा लिए, अब इन 5 की मैं या फिर एक बंदे का जो है बिजनेस 10 लेवल तक क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और ये 5 मेरी जो है आईडी ग्रीन होनी चाहिए मेरे फर्स्ट लेवल में और मेरा जो बिजनेस 10 लेवल तक क्रॉस करना चाहिए, तभी मैं जो है सिल्वर रैंक अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी का जो मैं प्लान बात करूँ, अभी के जो प्लान में क्या अपडेट हुआ, ये सिल्वर रैंक पूरी चेंज हो चुकी है और गोल्ड रैंक भी चेंज हो चुकी है। तो सारी चीजें जो है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो आप बहुत अच्छे से इसमें समझने भी वाले और डिस्कस करूंगा इस चीजों के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, ये थोड़ा मार्कर अच्छा नहीं चल रहा तो मैं मार्कर यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी का जो प्लान है, अभी की बात करें तो यहाँ पर 5 लोगों को आपने एप्लीकेशन रेफर किया, यहाँ से जो आपकी इनकम कितनी होगी 300 के हिसाब से, यानी कि 300 के हिसाब से आपको 1% से इनकम आ रही थी, आपको 300 के हिसाब से आप जो है काउंट कर लो, यहाँ पे जो है आपकी इनकम 1500 रुपये की आपकी इनकम होगी, ठीक है, 1500 रुपये आपकी इनकम होगी। और आपने जो 5 लोगों को ये एप्लीकेशन रेफर किया था नेक्स्ट मनी, उन 5 की आपने हेल्प की तो हर किसी ने 5 किए, तो आपकी जो टोटल लेवल 25 की टीम होगी। अब कंपनी यहाँ पे कह रही है आपको फर्स्ट लेवल में तो है 5 लोग जो है ज्वाइन होने चाहिए और सेकंड जो है आपके सेकंड लेवल में 25 लोग ज्वाइन होने चाहिए। जैसे आपके 25 लोग ज्वाइन होते तो यहाँ से आपको जो है 25 लोगों की कितनी इनकम आएगी, 750 की आपकी यहाँ से इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको 750 की इनकम आ गई तो अब जो है यहाँ पे टोटल आपकी जो इनकम है वो 2250 के आसपास जो है आपकी इनकम होगी, ठीक है। आपने क्या किया, 5 लोगों को एप्लीकेशन ज्वाइन करवाया, आपने डायरेक्ट में 5 लोगों को रेफर किया, उनकी हेल्प की आपने और जो है आपने उनके 25 लोगों की टीम जैसे टीम बना ली, मतलब हर एक बंदे के आपने 5 ज्वाइन करवा लिया, तो आपकी जो टोटल जो है 25 लोगों की टीम होगी और 5 जोड़ के टोटल जो है 30 लोगों की टीम होगी। अब कंपनी ये बोल रही है कि आपके सेकंड लेवल में जो है 25 लोगों की टीम होनी चाहिए, जैसे कि आपने पहले जो प्लान था रेफरल अर्निंग का वही प्लान है, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं किया। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छी सी रैंक दी है और वो रैंक दी यहाँ पर स्टार रैंक, ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने रैंक दिया स्टार रैंक। अब इस रैंक को अचीव करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा है, आपने अपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाना डायरेक्ट में और उन 5 की भी हेल्प करनी 5 करने में, ताकि आपके सेकंड लेवल में 25 लोग हो जाए। अब जैसे कंपनी के पास आप कंपनी का क्राइटेरिया आपने कंप्लीट किया तो आप जो है स्टार रैंक अचीव करते हो। अब जब स्टार रैंक अचीव करते हो तो कंपनी आपको एक अलग से पेमेंट देती है, वो है 25, मतलब कि यहाँ पर 2500 रुपये का अलग से रिवार्ड देती है, मतलब कि पैसे ही होते हैं वो आपको अलग से देती है 2500 रुपये आपके अकाउंट विद इन सेकंड। और जब भी ये रैंक अचीव करते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको करना है, कोई क्राइटेरिया, जब भी आप ये स्टार रैंक अचीव करते हो, यानी कि आपके फर्स्ट लेवल में 5 लोग और सेकंड लेवल में 25 लोगों की टीम हो जाती है, तो आपको उसी दिन, जिस दिन भी आपकी ये चीज होगी उसी दिन आपको 2500 रुपये का रिवार्ड आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, विद इन सेकंड आएगा, क्योंकि आपको पता है इंस्टेंट मनी देती है नेक्स्ट मनी, ठीक है, आपको ये चीज आ गई। उसके बाद अब यहाँ पर हर कोई बंदा 5 ज्वाइन करवाने के बाद में बैठेगा तो नहीं ना,
हर कोई इंसान ज्वाइन करने वाला बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको 2500 रुपए दिख रहे हैं, वो 2500 रुपए अचीव जरूर करेगा। इसलिए मैंने आपको जिस सामान पर देखा होगा यहाँ पर ये चीज मिलने वाली है, इसलिए आपका हर बंदा ज्वाइन करेगा और हर बंदा आगे काम करेगा, आपको बस उसको थोड़ा नॉलेज देना है। अब सिंपल था, हमने ये चीज कर ली। अब मैं आपको यहाँ पर रिमूव करके इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब स्टार रैंक अचीव करने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया, हमने जो अपने फर्स्ट लेवल में, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, हमने जो है अपने फर्स्ट लेवल में 5 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, ठीक है, ये अपने 5 लोग हो गए, ये मैंने 5 लोगों को ज्वाइन करवा लिया। अब इन 5ों के जरिए जो है मेरे को 5 लोग करने, यानी कि इस बंदे के 5 करने, इस बंदे के भी 5 करने, और इस बंदे के हर किसी के मेरे को 5 करने, तो ये मेरा जो है फर्स्ट लेवल हो गया, ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया, और ये मेरा जो है सेकंड लेवल हो जाएगा, जो हर कोई इंसान 5-5 ज्वाइन करवा रहा होगा, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप कि आपको सारी चीज अच्छे से दिख रही होगी, बस नॉलेज के ऊपर फोकस करना, ठीक है, नॉलेज के ऊपर फोकस करना, जो मैं देना चाहता हूँ वो समझाना चाहता हूँ, आप जरूर समझो, ठीक है। जैसे हमने ये कर लिया, हमने सेकंड लेवल में 25 लोगों की टीम हो गई और 5 लोग हमारे जो है फ्रंट लेवल में हो गए, मतलब कि पहले लेवल में हो गए, ठीक है, 25 लोगों की टीम हो गई, हमारी कंपनी की यहाँ पर स्टार रैंक अचीव कर लिया हमने। अब जब कंपनी की बोल रही है कि स्टार रैंक जब आप अचीव करते हो तो कंपनी आपको जो है अलग से 2500 रुपये का रिवार्ड देती है, 2500 रुपये रिवार्ड देती है, तो आपकी टोटल जो इनकम है वो लगभग लगभग 5000 की हो जाती है, 5000 के आसपास हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने रेफरल अर्निंग भी तो ले ली, आपने यहाँ पर रेफरल अर्निंग ले ली, प्लस आपने रिवार्ड्स की जो अर्निंग है वो भी ले ली। अब यहाँ पर ये कर दिया, अब कंपनी आप आगे और होती है, कुछ रैंक चेंज हुई है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जब आप स्टार रैंक अचीव करते हो कंपनी आपको एक तो जो है 2500 रुपये का जो है आपको अवार्ड दे देती है, मतलब रिवार्ड्स के रूप में पेमेंट दे देती है, प्लस आपको जो है यहाँ पर ऑफलाइन जो है एक मीटिंग देती है, मतलब कि ऑफलाइन यहाँ पे तो जो है आपको फिजिकली जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको डिस्कस किया जाता है कि आपको इस बिजनेस को और आगे कैसे डिस्कस करना है, मतलब कि आगे कैसे एक्सपेंड करना, और अपने बिजनेस में एक विजन दिया जाता है कि आप आगे और कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डे की जो है बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग रहती है, वो कंपनी की ओर से रहती है, या तो आपको वेबिनार के थ्रू दी जाएगी, या फिर आपके जो है ऑफलाइन फिजिकली आपके जो भी जहाँ पे भी आपके अपलायंस होंगे या फिर आपके सपोर्ट सिस्टम होगा उसके द्वारा दी जाएगी। अगर आप मेरी कम्युनिटी से, तो मैं खुद आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि आपको आगे कैसे काम करना है, और अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो बिजनेस को, तो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल ले सकते हो मेरी, मेरे को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको वहाँ पर मेरे, तो आप वहाँ से मेरे डायरेक्टली व्हाट्सअप पर आ सकते हो और बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे रेफरल कोड वगैरह मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन करके आप उसका स्क्रीनशॉट जो है जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप जरूर कर देना, ठीक है। बाकी ये सारी चीज देखिए, आपने आपको यहाँ पर जब स्टार रैंक अचीव कर रहे हो, सिर्फ मैं स्टार रैंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार रैंक अचीव कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2500 रुपये का जो है अवार्ड मिलता है, प्लस आपको जो है एक ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलती है जो बिल्कुल फ्री होती है, जो ये चीज सिखाती है कि आप इस बिजनेस को और आगे कैसे लेके जा सकते हो, और आपको विजन दिया जाता है बहुत तगड़ा कि आप इस बिजनेस को और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात की, रेफरल अर्निंग के बारे में और स्टार रैंक अचीव के बारे में। जब आप ये दोनों चीज करते हो तो आपको 5000 की अर्निंग हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कितने दिन में करते हो, मतलब 5 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, या फिर 1 घंटे में, क्योंकि प्लान ही ऐसा है कि आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब सिंपल चीज है, स्टार का जो क्राइटेरिया है ये है, स्टार का जो क्राइटेरिया आपको 5+25 ये करवाना है, ठीक है, ये आपने करवा लिया, आपको जो है ये चीज मिल गई आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की, सिल्वर की यहाँ पर बात करें, सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा क्राइटेरिया ये है गाइस, सिल्वर आपको अचीव करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके डिफरेंशियल बैच, मतलब कि इन 5ों में से कोई 3 लेग, इन 5ों में से कोई 3 लेग का जो है आपके जो है 3 स्टार होने चाहिए, सिंपल सा क्राइटेरिया ये है। आपको अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपने जो 5 लोगों को ये एप्लीकेशन रेफर किया था, उन 5ों में से 3 जो है आपके बंदे या तो स्टार रैंक अचीव करनी चाहिए या फिर उनकी टीम से अचीव कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर वो तीनों अचीव कर लेंगे, स्टार रैंक अचीव कर लेंगे, तो यहाँ पर आप जो है सिल्वर बन जाओगे। सब सिल्वर बनते हो तो आपको अलग से इनकम आती है, अलग से कैसे इनकम आती है, आपको रेफरल अर्निंग तो आ गई, राइट, रेफरल अर्निंग आपको उस हिसाब से आएगी जिस हिसाब से रेफरल प्रोग्राम अपना जो है, जैसे आप एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं ना, उस हिसाब से जो अर्निंग आई रही है, रेफरल अर्निंग आएगी जो आएगी, उसका प्लान मैंने आपको बताया है कि आप डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे प्लान को देख सकते हो, रेफरल अर्निंग कैसे आती है और कितने कितने जगह से अपनी इनकम आएगी, कितने परसेंटेज के हिसाब से अपने को है रेफरल इनकम आएगी, वो आप जाके जो है प्लान देख सकते हो। आप सिल्वर रैंक अचीव करो तो आपको सिंपल का क्राइटेरिया है कि आप जब सिल्वर रैंक अचीव करो तो आपको जो है स्टार्टिंग जो है आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि 3 स्टार आपके डिफरेंट लेग में 3 स्टार होने चाहिए, यानी कि 5 लोगों को आपने रेफर किया, उन 5ों में से 3 को जो है आप जो है स्टार रैंक अचीव करवा लो। जब आप स्टार रैंक अचीव करवाओगे यहाँ पे आप सिल्वर बनोगे, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया और भी रखा है, आपकी टीम के अंदर 250 ग्रीन आईडीज होनी चाहिए, ठीक है, 250 ग्रीन आईडी होनी चाहिए, मतलब कि आपके नीचे 250 लोग प्रीमियम ले चुके होने चाहिए और आपका जो है 3 स्टार कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आप जब आप ये चीज अचीव करते हो, क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, आपको जो है यहां पर
ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना, तीन स्टार आपके जो है टीम के अंदर क्रिएट कर लेना है, जो आपको लेग है, मतलब कि आपके पांच लेग स्टार्ट किए थे आपने स्टार्टिंग में, पांच लोगों को रेफर किया, वो आपके पांच लेग है, जब आपके तीनों लेग में से स्टार बन जाएंगे या फिर वो खुद तीन जो है लोग स्टार बन जाएंगे, तो आप यहाँ से एक और क्राइटेरिया आपको ये है कि आपको 250 की आईडी जो है, 250 लोगों की आईडी नीचे ग्रीन होनी चाहिए। अब जब आप सिंपल सी चीज है, 25 लोग यहाँ से हो जाएंगे, 25 कितना हो गए 75 और टीम से आपके जो है 250 लोग मिनिमम जो है आपके नीचे एक्टिवेट होनी चाहिए, मतलब कि आईडी ग्रीन होनी चाहिए, प्रीमियम लेयर का होना चाहिए उन्होंने, तब आप यहाँ पर बनते हो सिल्वर स्टार रैंक अचीव ये कर लेते हो, सिल्वर बन जाते हो। अब गाइस आप सिल्वर बनते हो ना, तो कंपनी आपको बहुत बेहतरीन चीज देती है, जो आपको क्राउन डायमंड पर मिलती थी अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल्टी की, आपको 1% रॉयल्टी यहाँ पर आपको 1% रॉयल्टी कंपनी की तब मिलेगी जब आप जो है यहाँ पर एक चीज और क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, आपके हर मंथ जो है 10 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपकी टीम में, तब आप जो है कंपनी की रॉयल्टी के हिस्सेदार बन सकते हो। कंपनी के हिस्सेदार कब बनोगे, कंपनी की रॉयल्टी के हिस्सेदार मतलब कि सीटीओ के आप हिस्सेदार कब बनोगे, जब आपके टीम के अंदर हर महीने 10 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 10 लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो आपको है कंपनी के जो है एक्टिव सिल्वर्स के अंदर 1% जो है रॉयल्टी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये चीज आपने अचीव कर ली, आपको एक और चीज यहाँ पर मिलती है, आपको 1% जो है यहाँ पर कंपनी के आपकी टीम से अनलिमिटेड डेप्थ 1% की रॉयल्टी आने वाली है, मतलब सिल्वर रॉयल्टी आने वाली है आपको 1% की आपकी टीम के अंदर डिफरेंशियल डेप्थ में, राइट, मतलब कि आपकी जितनी भी टीम बनी हुई है उसमें से जो भी ज्वाइनिंग कर रहा होगा उसका जो भी है 1% जो है आपको हिसाब से आएगा, जब आप पूरा प्लान देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मतलब मोटा मोटा ये चीज समझिए कि आपको कंपनी का टर्नओवर मिलने वाला 1% का, आपको 1% जो है आपकी सिल्वर रैंक रॉयल्टी मिलने वाली है, और थर्ड चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ध्यान रखना यहाँ पर थर्ड चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है 20,000 रुपए का जो है रिवार्ड्स। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप इस चीज को देखोगे तो समझ में आएगा कि लाइक 20,000 रुपए आपको अलग से कंपनी देने वाली है। अब आपको यहाँ पर मिला क्या, आपको रेफरल अर्निंग जो है मतलब कि अगर मैं बात करूं आरएफ रेफरल अर्निंग वो मिल गई, ठीक है, आपको रेफरल अर्निंग मिल गई, कंपनी का सीटीओ मिल गया, अब यहाँ पर जो है कंपनी का सीटीओ मिल गया, आपको 1% की जो है सिल्वर रॉयल्टी मिल गई, सीआर कर देता है यहाँ पे, सिल्वर रॉयल्टी मिल गई कि आपको एक डोमेस्टिक टूर मिलता है, मतलब आपको घूमने फिरने का एक बहुत बेहतरीन टूर मिलता है। जो बात कर रहे हैं यहाँ पे डोमेस्टिक टूर की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, डोमेस्टिक टूर जो रहता है वो 3 दिन का 3 days और 2 nights का रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि आप सिंगल ही जा सकते हो, सिंगल पर्सन ही जा सकते हो, जो ये रैंक अचीव करेगा वो भी पर्सन जा सकता है। क्या करना है, देखो सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ पर बेहतरीन चीजें मिलने वाली है, और आप सोचना कि आप आपकी जो भी टीम में बंदा ज्वाइन कर रहा है अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा दिया तो वो बंदा करेगा या नहीं करेगा, आप खुद इमेजिनेशन करना कि बंदे को इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो बंदा ज्वाइन करेगा और आगे काम करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली 100% करेगा, क्योंकि ऐसा प्लान एक बेहतरीन प्लान जो है रिवार्ड के अंदर कन्वर्ट किया है। पहले वाला प्लान था जिसमें बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया है लेकिन किसी कारणवश जो है आगे काम नहीं कर रहे थे, हर कोई इंसान ज्वाइन कर रहा था लेकिन आगे काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब अगर आपने रिवार्ड प्लान को ज्वाइन किया तो आपके लिए मतलब एक खजाना खुल चुका है यहाँ पे। आप देखिए कि आपको क्या क्या मिलने वाला, आपको रेफरल अर्निंग मिल गई, आपको सीटीओ मिल गया, इनके कंपनी का टर्नओवर मिल गया, आपको सिल्वर रैंक जब अचीव कर रहे हो सिल्वर रॉयल्टी मिल गई, जब आपको जो है कंपनी ने जब आप ये चीज अचीव करते हो आपको जो है 20,000 का रिवार्ड्स मिलने वाला, 20,000 का रिवार्ड्स, 20,000 का रिवार्ड्स मिलने वाला, मतलब अलग जो आपको 20,000 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। अब आप देख सकते हो रेफरल अर्निंग लगभग लगभग जो हो जाएगी आपके, मान के चलिए 5-10,000 जो भी आपकी रेफरल अर्निंग होती है सिल्वर रैंक अचीव करते हो तब आपकी 5-10,000 जो भी आपकी इनकम होती है वो मान लीजिए, और 20,000 आपको अलग से मिलने वाले हैं, प्लस आपको रेफरल जो है कंपनी रॉयल्टी मिलने वाली जो हर महीने मिलने वाली है, और कंपनी रॉयल्टी अचीव करने का आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, आपको जो है उसका 1% का हिस्सेदार बनना है, तो आपको हर महीने 10 ज्वाइनिंग करवानी, ठीक है, आपकी टीम के अंदर हर महीने 10 ज्वाइनिंग करवानी, या फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पता जब स्टार बन चुके हैं 3 लोग है ना आपकी टीम के अंदर तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी। ठीक है, आपको ये कर देना, अब यहाँ पर जो है सिल्वर रैंक की जो रॉयल्टी है वो आपको मिलने वाली है, और आपको यहाँ पर डोमेस्टिक टूर मिलने वाला 3 दिन और 2 रात का, और वो आप सिर्फ सिंगल जा सकते हो, राइट, आपने ये बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड रैंक की, अगर आपने कभी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो जरूर लाइक करना, क्योंकि ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना आप बहुत तगड़े तरीके से अपने दिमाग में ये भी स्टोर कर लोगे, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपनी टीम के साथ ताकि वो भी इस चीज को जरूर समझे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नॉलेज मैं लेके आने वाला हूँ, वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए, तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना, और एक सुंदर सा कमेंट भी कर देना, आपको कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड रैंक की, हमने जो है स्टार रैंक अचीव कर ली, सिल्वर रैंक अचीव कर लिया, अब गोल्ड रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया वो हम बात करने वाले, पूरे डिस्कस में करने वाले कि हमें गोल्ड रैंक अचीव करने के लिए क्या करना है। तो सिंपल सा क्राइटेरिया का यहाँ पर ये है कि आपको जो अपने डिफरेंट 3 लेग में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आपने 5 लेग स्टार्ट की थी, उनमें से 3 लेग में से जो है आपको 3 सिल्वर स्टार बन जाने चाहिए,
ठीक है, तीन सिल्वर स्टार बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो आपको ने डिस्कस कर लिया, सिल्वर जैसे बनेगा वैसे ही जो है आपको यहाँ पर अपने टीम के अंदर सिल्वर क्रिएट कर देना है। तीन आपने अगर सिल्वर क्रिएट कर लिया डिफरेंट लेग से, ठीक है, याद रखना डिफरेंट लेग से आपको जो है सिल्वर क्रिएट करना है। मतलब जो स्टार बने उनको अगर आप सिल्वर बना लोगे तो भी आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो, या फिर अगर आप और किसी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, मतलब अपने डायरेक्ट में जितने लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो उनको आप सिल्वर बना रहे हो, तो यहाँ पर आप ये चीज फुलफिल कर दो। प्लस आपको यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तीन आपके सिल्वर स्टार हो गए डिफरेंट लेग में, मिनिमम आपकी टीम साइज 1000 लोगों की होनी चाहिए और वो जो है प्रीमियम होने चाहिए। ठीक है, मतलब टीम साइज 1000 लोगों की होगी तो वो सारे प्रीमियम होने चाहिए। ठीक है, प्रीमियम हो गए तो फिर आप जो है यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हो और कंपनी आपको यहाँ पर गोल्ड रैंक अचीव करवा देती है, मतलब कि गोल्ड स्टार बन जाते हो आप यहाँ पर। और जब आप कंपनी के गोल्ड स्टार बनते हो तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट्स देती है इसके ऊपर डिस्कस करता है। रिलेटिव बता रहा हूँ, बहुत तगड़े तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज अचीव करते हो, बहुत अच्छे से इनकम आती है और क्या आती है उसके बारे में बात करते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है इस गोल्ड रैंक जब आप अचीव कर रहे हो ना, जब भी अचीव करोगे ये चीज आपको मिलेगी। जब आप अचीव करोगे तो ना मतलब ये है कि आप जब स्टार बनोगे तो स्टार रैंक पर आपको जो चीज मिलेगी मिलेगी। सिल्वर अचीव करोगे, जब आपको सिल्वर बनोगे तो सिल्वर में आपको सारी चीज मिल जाएगी। जब गोल्ड बनोगे तो गोल्ड में आपको ये चीज मिलेगी। आप गोल्ड बनोगे तो क्या क्या मिलने वाला है, नंबर वन आपको रेफरल अर्निंग आई वो आएगी, आपको आएगी। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का टर्न होगा 1% का जो है कंपनी का टर्न ओवर मिलने वाला है। मतलब भाई यहाँ पर आपको कंपनी का जो टर्नओवर है वो आपको 1% मिलेगा और बग जो है आपकी टीम के अंदर 25 लोगों की ज्वाइनिंग। देखो ये चीज सीखने समझनी बहुत जरूरी है, अगर आपको कंपनी का टर्नओवर चाहिए यानी कि सीटीओ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपके 1% आपको जब मिलेगा तब आपकी जो है टीम के अंदर 25 लोगों की ज्वाइनिंग हर मंथ हो रही होगी। 25 लोगों की ज्वाइनिंग जो है आपको हर मंथ हो रही होगी, यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं मैं 25 लोगों की ज्वाइनिंग हर मंथ आपके टीम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और आप एक्टिव होने चाहिए यार, तभी आप एक्टिव माने जाओगे। जब आप एक्टिव रहोगे तो आपको जो है सीटीओ मिलेगा। अब उसके बाद में जब आपको 2% की रॉयल्टी तब मिलेगी जब आप एक्टिवली काम कर रहे होंगे, मतलब कि आपको गोल्ड रॉयल्टी जो मिलने वाली है वो 2% मिलने वाली है। सिल्वर में आपने 1% मिल रही थी, यहां पर जो है आपको 2% मिलने वाली है। 2% मतलब कि आपकी टीम के अंदर से 2% आपको रॉयल्टी आने वाली, गोल्ड रॉयल्टी जिसको हम रॉयल्टी बोल सकते हैं, गोल्ड रॉयल्टी बोल सकते हैं, वो गोल्ड रॉयल्टी आने वाली। ध्यान से सुनना गाइस कि आप जब ये रैंक अचीव करते हो तो आपको जो यहाँ पर 1,00,000 रुपए कंपनी आपको रिवार्ड्स के रूप में देने वाली है। अब सोचना कि यार 1,00,000 रुपए आपको जो है कंपनी रिवार्ड्स के रूप में देने वाली है, और जब आपको 1,00,000 रुपए देगी कंपनी तो आपको रेफरल अर्निंग भी आई है, आपको कंपनी की रॉयल्टी भी आएगी, आपको टीम की रॉयल्टी भी आएगी, मतलब कि गोल्ड रॉयल्टी भी आएगी, और आपको एक चीज बेहतरीन चीज जो सबसे मेरी बहुत फेवरेट है वो है कि आपको फॉरेन टूर मिलने वाला है। एक टूर मिलने वाला है, मतलब कि फॉरेन टूर मिलने वाला है, आप सिंगल जा सकते हो। जी हाँ, आप कंडीशन ये है कि आप सिंगल यहाँ पे जा सकते हो। सिंगल मतलब आपके अपनी टीम के साथ में जा सकते हो, जितने भी आपके जो है गोल्ड बनेंगे आपकी टीम से, आपकी कंपनी से, मतलब कि अपनी जो नेक्स्ट वाली कंपनी से जितने भी लोग गोल्ड बनेंगे उनके साथ में आप जा सकते हो। कंपनी डिसाइड करेगी कहाँ पर आपको जाना है, वो सारे जो है कंपनी डिसाइड करेगी। तो ये जो है आपको सिंगल को मिलता है, और आपको सिंपल सी चीज है यार, आप खुद मतलब सोचना है कि आपके पास में 1,00,000 रुपए होंगे, आप फॉरेन टूर घूमने के लिए जा रहे हो, मतलब फॉरेन के लिए टूर कर रहे हो, और आपके पास में 1,00,000 रुपए और आपकी जो टीम काम कर रही है वहां से आपको रॉयल्टी भी आने वाली है, आपके कंपनी का टर्नओवर भी मिलने वाला है, मतलब आप एंजॉय भी कर रहे हो, इनकम भी ले रहे हो और मजे भी कर रहे हो। पैसा मतलब सिंपल ही चीज है, और आपको क्या क्राइटेरिया ये फुलफिल करना है, और जब आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हो तो आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे की रैंक में, आगे आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप डायमंड रैंक कैसे अचीव कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। डायमंड रैंक के लिए कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है, और जब आप क्राइटेरिया फुलफिल करता हो तो आपको बहुत हैंडसम सी पेमेंट मिलती है, मतलब कि केस रिवार्ड मिलता है, प्लस आपको जो है बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो मैं बताता हूँ क्या बेनिफिट्स मिलने वाले आपको। सबसे पहले जो है आपको पहले हम बात करते हैं कि कैसे अचीव करना है। सबसे पहले यही चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हमें अचीव करना है, तो अचीव कैसे करना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। नंबर वन, आपको जो अपने डायरेक्ट में जो है आपने रेफर किए थे, मतलब कि आपके तीन लेग से जो है आपके तीन गोल्ड होने चाहिए, अलग अलग लेग से हो सकता है, डिफरेंशियल लेग से, मतलब कि मिनिमम जो है तीन गोल्ड होने चाहिए। मतलब आपने जो 5 डायरेक्ट रेफर किए थे, आपने जिनको सिल्वर बनाया था उन्हीं को आप जो है गोल्ड बना दीजिए, गोल्ड बनाया था उन्हीं को आप जो है यहाँ पर डायमंड बना लीजिए। मतलब अगर आप डायमंड बनना है आपको, तो आपको जो है डायरेक्ट में तीन जो है गोल्ड रैंक अचीव करवानी पड़ेगी, गोल्ड स्टार बनाने पड़ेंगे। जब आप गोल्ड रैंक बना लेते हो अपने तीन मतलब अलग अलग लेग से, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए और आपके अलग अलग लेग में जब भी आप जो है तीन बना लेते हो, राइट, तो आपकी टीम से जो है तीन डायमंड बन जाते हैं। आपके अलग अलग लेग से बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर पहले जो बंदे से आपको रेफर किया था उसी टीम से तीन बना रहे तो वो नहीं होगा क्राइटेरिया फुलफिल। वो ये है कि आपके अलग अलग लेग से तीन लोग जब आप गोल्ड अचीव कर देते हैं तो यहाँ पर आप जो है डायमंड अचीव करते हो। जब डायमंड अचीव करने के लिए एक और क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करना ये है कि आप जो है 5,000 लोगों की आपकी टीम के अंदर आईडी ग्रीन होनी चाहिए, 5,000 लोगों की आईडी ग्रीन होनी चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि सिंपल सा कोई भी लोग जो है आपके अब डायमंड बनेगा कोई पर्सन, तो उसकी टीम जो है हजारों के अंदर होगी, राइट, हजारों के अंदर होगी, तो कहीं से कहीं मतलब कि 5,000 लोग जो है
वो ऑटोमेटिकली जो है आपके समझ में आ जाएगा आपको कि जब हमारी टीम इतनी बढ़ रही होगी तो हर कोई इंसान ज्वाइन कर रहा होगा। जब आपके डायमंड बनोगे यहाँ तक पहुंचोगे आप, तब तक जो आपकी टीम बहुत सारे लोगों की ज्वाइन हो चुकी है, मतलब 10,000-20,000 से लोगों की जो है कम से कम जो है हो चुकी होगी। तो आपको क्राइटेरिया ये फुलफिल करना है कि आपको 5,000 लोगों की आईडी आपकी ग्रीन होनी चाहिए टीम के अंदर, ठीक है। आपको ये नहीं करना, आपको सिंगल पर्सन को ये 5,000 लोगों की आईडी ग्रीन नहीं करवानी, आपको क्या करना है अपनी टीम से ज्वाइनिंग करवानी है। मतलब आपकी टीम जो है टोटल, जो आपकी टीम के नीचे जितने भी लेवल में हो आपके टोटल जो है टीम में जो है 5,000 लोगों की आईडी ग्रीन होनी चाहिए, प्लस जो है आपको स्टार रैंक जो आपको डायमंड बनने के लिए आपको 3 गोल्ड आपको चाहिए, ठीक है। 3 गोल्ड आपको डायरेक्ट में चाहिए और उसके बाद में 5,000 लोग आपके आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए, मतलब कि प्रीमियम मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर। अब जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पर बन जाते हो डायमंड स्टार। जी हाँ, डायमंड स्टार। अब डायमंड स्टार बनते हो तो आपको क्या मिलने वाला, नंबर वन आपको रेफरल अर्निंग आएगी, वो एलिटीज आएगी जैसे आ रही थी वैसे ही आएगी आपको रेफरल अर्निंग, जिस भी लेवल में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उस हिसाब से आपकी जो है रेफरल अर्निंग आएगी, ठीक है। और आपको पता है रेफरल अर्निंग कितनी बड़ी है, अगर आपने प्लान नहीं देखा रेफरल अर्निंग का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जाके आप जरूर जो है प्लान देख लेना रेफरल अर्निंग क्या है। और अगर मेरे साथ में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी डिटेल ले सकते हो। और अगर मेरे जो पार्ट बनना चाहते हो, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, आप जाके कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। और हाँ, ज्वाइनिंग भी कर सकते हो और मेरे साथ में आप मेरी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, कैसे जो है टीम में क्रिएट करना है, कैसे ग्रो करना है, पूरा प्रोसेस जो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, हम बैक टू पॉइंट आते हैं कि यहाँ पर जो है हमने रेफरल अर्निंग आ गई, मतलब हमने जब डायमंड रैंक अचीव की तो यहाँ पर जो हमारे को रेफरल अर्निंग आई, एलिटी आ गई। अब जो है कंपनी आपको दे रही है यहाँ पर डायमंड रॉयल्टी, तो 2% की आपको डायमंड रॉयल्टी दे रही है, वो आपको आएगी आपकी जो है डिफरेंस बेस्ट आपको जो है रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में कंपनी का टर्नओवर, ये हर रैंक के अंदर आ रहा है, मतलब कि स्टार रैंक सिल्वर रैंक के, सॉरी स्टार रैंक के अंदर नहीं आ रहा, ये आ रहा सिल्वर रैंक और गोल्ड रैंक के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आप डायमंड रैंक के अंदर भी आ रहा है ये चीज, और ये चीज आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इस चीज को लेने के लिए, मतलब कंपनी का टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो कंपनी का टर्नओवर दे रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंपनी का टर्नओवर अगर आपको लेना है तो आपको हर महीने 50 ज्वाइनिंग आपकी टीम के अंदर होनी चाहिए। और सिंपल सी चीज है, अगर आप डायमंड है तो एक्टिवली होगे, राइट, एक्टिवली अगर काम कर रहे होंगे तो आपकी 50 ज्वाइनिंग बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगी। जब आपके लोगों की 50 ज्वाइनिंग हो रही है हर मंथ, मतलब कि पर मंथ जो है आपके 50 लोगों की आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग हो रही, तो आप जो है यहाँ पर एक्टिव जो है डायमंड कहलाओगे। और जब एक्टिव डायमंड कहलाओगे तो कंपनी आपको 1% का CTO देगा, मतलब कि कंपनी टर्नओवर देगा, ठीक है। अब ये चीज कर ली, जब हम ये चीज अचीव करते हैं, जिस भी दिन अचीव करते हैं, चाहे आप रात में भी अचीव कर रहे हो ना, तो उसी दिन उसी सेकंड आपको जो है 3,00,000 रुपए आपकी इनकम आ जाएगी उसी वॉलेट में, मतलब आपको 3,00,000 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे नेक्स्ट महीने के बाद द्वारा, मतलब 3,00,000 रुपए आप सोच सकते हो 3,00,000 रुपए। और सबसे बेहतरीन फैसिलिटी, मैंने पहले भी बात की थी अभी भी बात कर रहा हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट, आपको फॉरेन का टूर मिलता है, राइट, आपको फॉरेन टूर मिलता है, आप बहुत अच्छे से घूम के आ सकते हो। और वो भी सबसे बड़ी फैसिलिटी कि आप अपने मतलब वाइफ के साथ में कपल जा सकते हैं, यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ में आप जा सकते हो, यहाँ पर आप घूम के आ सकते हो, आपको 3,00,000 रुपए मिल जाएंगे। 3,00,000 रुपए मिलेंगे तो आप जो है अपनी मतलब वाइफ रहेगी या फिर आपकी जो भी गर्लफ्रेंड रहेगी वो भी उनके साथ में आप इंजॉय कर सकते हो। और सोचो कि यार आप जब फॉरेन घूम रहे हो, आपके पास में पैसे भी हैं, आपके इनकम भी आ रही है, रेफरल अर्निंग भी आपने ले ली, तो लगभग आपका जो है अकाउंट के अंदर 5-6 लाख आराम से हो जाएंगे। तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, घूम के आ सकते हो। और सबसे बेहतरीन फैसिलिटी की जो ये चीज कर रहे हो ना, आप आगे भी रैंक अचीव करने वाले हो। हो सकता है कि आप जब घूम के आओ तभी आपकी जो है ज्वाइनिंग अच्छी हो जाए और आप जो है क्राउन डायमंड बन जाओ। और जब क्राउन डायमंड बनते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको पूरा डिस्कस करता हूं आगे के प्रोसेस। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक जरूर करो, क्योंकि इतना नॉलेज मैं दे रहा हूं ना आपको, मतलब आपको खुद एक्साइटमेंट हो रही, मुझे बताते हो इतनी एक्साइटमेंट हो रही, तो आप डेफिनेटली आपको भी हो रही होगी। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपनी टीम के साथ में। और चैनल अगर आपने कहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लेके आने वाला हूं और बहुत सारे ऐसे चीज भी लेके आने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। और आपने एक कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, अगर आप एक्टिवली काम करना चाहते हो तो आपको लीड जनरेशन का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया, आप उस कोर्स को खरीद सकते हो और एक्टिवली काम कर सकते हो। लीड जनरेशन का बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने दिया, अपना एक्सपीरियंस डाल के दिया उसमें, तो आप जो है उस चीज को ले सकते हो, अपने कोर्स ले सकते हो, 99 रुपए का आसपास होगा, तो आप उस कोर्स को ले सकते हो और अपने टीम के अंदर ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया से आप ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने बात कर दी, हम बात करते हैं यहाँ पर क्राउन डायमंड की। अब क्राउन डायमंड स्टार्ट बनते हो तो क्या मिलता है आपको, वो चीज हम डिस्कस करते हैं। तो कहते आपको क्राउन डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना है, तो कहते आपको क्राउन डायमंड शिप अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट लेग में 3 आपको जो है डायमंड क्रिएट करना है। जी हाँ, यहाँ पर आप सही से सुनना और इस चीज को देखना कि आपको जो है अपने 3 अलग अलग लैब में, मतलब कि अलग अलग लैब में 3 लोगों को डायमंड बना लेना है,
डिफरेंट लेग बोल सकते हो, या फिर आपने जो पांच लोगों को जो है ज्वाइन करवाया था उनमें से उनकी टीम से जो है अलग अलग लेग थे, जो है आप यहाँ पर तीन डायमंड क्रिएट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर क्राउन डायमंडशिप मिलती है। मतलब कि आप जब ये रैंक अचीव करोगे तो आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जैसे कि यहाँ पर हम जो है तीन डायमंड यहाँ पर बना लेने अपने को, जब आप डायमंड बना लेते हो प्लस आपको जो है 20,000 लोगों की आपकी आईडी ग्रीन होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर से। अनलिमिटेड डेप्थ में बोल सकते हो, मतलब कि पूरी टीम में आपको जो है 20,000 लोगों की आईडी ग्रीन होनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने प्रीमियम लिया होना चाहिए नेक्स्ट मनी का, ठीक है, 20,000 लोगों ने आपकी टीम में प्रीमियम लेने होने चाहिए तभी वो आईडी ग्रीन कहलाएगी, ठीक है। और जब आपकी ये आईडी 20,000 की आप कंप्लीट करते हो और आपने तीन डायमंड आपने अपने टीम में बना लिए अलग अलग लेग से, ठीक है, डिफरेंट लेग से आपने तीन लोगों को डायमंड बना लिए, तो आप यहाँ पर जो है क्राउन डायमंड बन जाते हो। और जब आप क्राउन डायमंड बनते हो तो आपको बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या मिलने वाले, नंबर वन आपको रेफरल अर्निंग मिलने वाली, रेफरल अर्निंग आपको पता है क्राउन डायमंड आप बनोगे तब तक कितनी रेफरल अर्निंग आएगी, अगर आपने पूरा प्लान नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा प्लान देखो, आपको रेफरल अर्निंग कितनी आने वाली, मतलब 178 करोड़ रेफरल अर्निंग है, तो कैसे कैसे आएगी वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको अच्छे इजी तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे हम रैंक अचीव करनी, कितने लोगों तक हम पहुंचेंगे तब हमारी इनकम होगी, कैसे क्या, वो पूरा आप जाके डिटेल में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में रेफरल अर्निंग आ गई हमारी, अब उसके बाद में आपको जो है क्राउन डायमंड रॉयल्टी आने वाली है, क्राउन डायमंड रॉयल्टी आने वाली 1%। यहाँ पर इसलिए कम है क्योंकि ये रैंक बहुत बड़ी है, ठीक है, रैंक बहुत बड़ी, आपकी टीम बहुत हजारों की हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो है आपको 1% जो है रॉयल्टी आने वाली है, 1% रॉयल्टी क्राउन डायमंड की आने वाली है। अब इसी को देखना, क्राउन डायमंड रॉयल्टी आपको अचीव करने के लिए जो है आपको 1% रॉयल्टी आने वाली है, प्लस आपको यहाँ पर कंपनी की ज्वाइनिंग टर्नओवर का भी मिलने वाला है, कंपनी के ज्वाइनिंग टर्नओवर का आपको मिलने वाला 1%। अब जब कंपनी का 1% आपको चाहिए टर्नओवर, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 100 लोगों की आपकी ज्वाइनिंग पर मंथ होनी चाहिए आपकी टीम में, ठीक है। अनलिमिटेड डेप्थ में बोल सकते हो, या फिर आप जो है अपनी टीम में जो है 100 लोगों की ज्वाइनिंग हर महीने होनी चाहिए, चाहे आप करवाओ, चाहे फिर आपकी टीम करवाओ, चाहे फिर आपके जो है नीचे ज्वाइन हो रहे हैं उनसे करवाओ, तो मतलब कि पूरे महीने के अंदर आपको 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है। जब पूरे महीने में 100 लोगों की आपकी ज्वाइनिंग करवाओगे तो आप यहाँ पर जो है एक्टिव क्राउन डायमंड कहलाओगे, जब आप एक्टिव क्राउन डायमंड कहलाओगे तो कंपनी आपको यहाँ पर 1% रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से देने वाली है, मतलब कि कंपनी की हिस्सेदारी देने वाली आपको 1% है। अब जब आप ये रैंक अचीव करते हो लाइफ टाइम में कभी भी करते हो, ध्यान से सुनना, लाइफ टाइम में कभी भी ये चीज अचीव करते हो तो आपको यहाँ पर 10,00,000 रुपीज, ओ माय गॉड, 10,00,000 रुपए आपको जो है कंपनी वॉलेट में विड्रॉल करती है, मतलब कि आपको कंपनी जो आपके वॉलेट में ट्रांसफर करती है 10,00,000 रुपए। आप सोचना कि जब आप ये चीज अचीव कर रहे हो आपको रेफरल अर्निंग भी आ गई, और रेफरल अर्निंग कितनी आएगी मैंने आपको बताया कि वीडियो जाके जरूर देखना, और जब आप रेफरल अर्निंग ले रहे हो आपको जो है अपनी टीम से रॉयल्टी आ रही है, प्लस रॉयल्टी के साथ साथ आपको कंपनी का ज्वाइनिंग टर्नओवर मिल रहा है, कंपनी की ज्वाइनिंग टर्नओवर के साथ साथ आपको 10,00,000 रुपए की जो है आपको मिलने वाली है, मतलब आपको ये गाड़ी निकलवा सकते हैं, मतलब तो यहाँ पर आपको 10,00,000 रुपए मिलने वाले। प्लस अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप फॉरेन ड्यूर भी जा सकते हो सर, फॉरेन ड्यूर मतलब कि आउट ऑफ कंट्री घूम के आ सकते हो, और वो आप अकेले नहीं जा रहे हो, यहाँ पे अपनी वाइफ को भी नहीं लेके जा रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में जा सकते हो, मतलब आप पूरी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर घूम के आ सकते हो, एंड फैमिली के साथ में भी कौन कौन, 4 लोग आप जा सकते हो अपनी फैमिली में, लाइक आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे, या फिर आप और अपने पेरेंट्स वगैरह जा सकते हो, मतलब कि आपकी फैमिली में 4 लोग होने चाहिए, वो 4 लोग आप फॉरेन ड्यूर जा सकते हो, और ये पूरा जो है कंपनी ही पे करने वाली, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ ये है कि आपको बस इंजॉय करना वहां पे, इंजॉय करना, अच्छे वीडियोस लेने, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करनी है, और आपको इंजॉय करना है 10,00,000 रुपए का मजे लेने। और जब आप सिंपल ही चीज है, आप जो फॉरेन ट्यूर जा रहे हो लगभग लगभग जो आप बहुत अच्छे से मतलब इंजॉय करके आओगे, और कहने के आपको इनकम आ जाएगी, आप ये इनकम आने के बाद में आप फॉरेन ट्यूर जाने वाले हो, तो मतलब आप देख सकते हो कि कितना आप इंजॉय करोगे वहां पे, राइट। तो ये चीज हमने अचीव कर ली, और इनका जो पूरा मैंने प्रोसेस समझा कि आप जो है ये चीज कर लोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, आपको अच्छे समझ में आ गया। और गाइस अगर आपको इसमें कोई सी भी चीज समझ में नहीं आई है जो मैंने अभी ये डिस्कस किया, इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा, पूरी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, मतलब मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, आप जाकर जो है चीजों को देख सकते हो, गौर कर सकते हो। और अगर आप नेक्स्ट में ऑलरेडी ज्वाइंड हो, ठीक है, आप नेक्स्ट मनी ऑलरेडी ज्वाइन हो और आप इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हो, तो भी आपको एक नेक्स्ट मनी का जो है कोर्स मिल जाएगा नीचे, मतलब कि लीड जनरेशन का आप ऑनलाइन डिजिटली कैसे कर सकते हो, कितनी चीजें जो है मैंने डिस्कस किया वहां पे, तो आप जाके जरूर देख सकते हो। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस दिया है सोशल मीडिया से कैसे जो लीड जनरेशन करनी है, तो आप जाके डिटेल ले सकते हो। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी गाइस मिलते रहेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक लिए बने रहिए, टेक केयर एंड विश यू वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ ये रैंक्स मैंने जो बताई है आपको वो जरूर आप अचीव करो, और एक दिन हम सब मिलकर कुछ कामयाबी करेंगे। थैंक यू सो मच आपका, एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ।